Hello everyone, welcome to OSF Education. I hope you all are doing good and safe. Today we are here to discuss one more cell organelle, that is lysosome. So let's start with it. Here the name itself says its meaning, lysosome, in that lys means lysis, which means breakdown, and so means body. So what it means? Breakdown of body. Lysosome means breakdown of body. So let's see its definition. Lysosomes are spherical shaped sacs filled with hydrolytic enzymes that have the capability to break down many types of biomolecules. Lysosome kya hai? To wo ek sphere shape ka sac like structure hai jo fill hota hai hydrolytic enzyme se. Kisse fill hoga? Hydrolytic enzymes that have capability to break down many types of biomolecules. और वो enzymes क्या करते हैं? तो वो बहुत सारे many types के biomolecules के का breakdown करते हैं. ये है lysosome के definition. Here you can see the structure of lysosomes. Let me zoom it. So this is a cell, and here green colored substance you can see, this is lysosomes. Here you can see properly this outer covering, you can see this is a membrane of lysosome, single wall membrane, and this inside you can see enzyme complexes. So this is the structure of lysosomes. Now types of lysosomes. How many types of lysosomes are there? So there are two types of lysosomes, primary and secondary. What is primary? Primary lysosome are small sac-like structures enclosing enzymes synthesized by the rough endoplasmic reticulum. Primary lysosomes क्या है? तो वो एक small sac-like structure है जिसके अंदर enzymes present होते हैं, जो कहाँ से synthesize किए गए हैं? तो rough endoplasmic reticulum से. और जैसे हम पता है कि वो enzymes store करता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? They are also said to be storage granules. Second type of lysosome is secondary lysosomes. तो वो क्या है? तो दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स विथ फैगोसोम. जब प्राइमरी लाइसोसोम है, जब फैगोसोम के साथ फ्यूज होगा, उसके साथ जब जॉइन होगा और जो फॉर्म होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम. तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स क्लियर हो गए. Now we will see its structure and functions. So lysosomes, as we know, that it is a membrane bound organelle which is spherical sac like structure enclosed by a single layer membrane. Wo ek spherical sac like structure hai jo enclose hota hai single layer membrane se, जो अलाउ करेगा, दैट अलाउज द कंटेंट ऑफ सेल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्श डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो ये अभी हम समझेंगे डायग्राम के साथ. ये है सेल, ये सेल न्यूक्लियस, और ये इधर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, फिर इधर हम माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं. हियर वी कैन फॉर्म गोल्जी एपरेटस. मतलब ये सारे सेल के कंटेंट हुए, और हियर वी विल ड्रॉ लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स आर स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में वो हर जगह होते हैं. तो ये जो लाइसोसोम्स है वो
क्या करते हैं? तो वो दैट अलाउज, उसकी जो मेम्ब्रेन है, वो जो मेम्ब्रेन से कवर होता है, वो अलाउ करेगा दूसरे सेल कंटेंट को प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये सब जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा किससे? तो उसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और वो हार्मफुल होते हैं दूसरे सेल कंटेंट्स के लिए। तो उसके लिए लाइसोसोम्स के बाहर एक मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करता है दूसरे सेल ऑर्गेनिल्स को, जो डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट है उससे। ओके, नेक्स्ट, हियर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से प्रोड्यूस होता है। ये पॉइंट याद रखना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दिस एंजाइम्स हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। इट हेल्प्स टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनिल्स। जो सेल के अंदर फॉरेन मटेरियल आएंगे, फॉरेन मटेरियल मतलब कोई भी चीज़ जो बाहर से सेल के अंदर आती है उसको फॉरेन मटेरियल बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या हो सकता है? तो वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और फूड भी हो सकता है। तो जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आएगा तो उसको क्लीन करेगा बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। उसको वो डाइजेस्ट करके सेल के अंदर जो फॉरेन मटेरियल आएगा उसको क्लीन कर देगा। और जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनिल्स मतलब कि जो डिस्ट्रॉयड हुए हो गए हैं, जैसे सेल ऑर्गेनिल्स जो कुछ खराब हो गए हुए या डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, तो वो वॉर्न आउट हो गए तो उसका कुछ काम नहीं है, तो उसको क्या करेगा, उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा और सेल को क्लीन कर देगा। तो इसमें हेल्प करता है। इसलिए इन शॉर्ट इस पॉइंट का मतलब क्या है कि वो जो भी वेस्ट होगा सेल में उसको हटा देगा सेल से। तो इसलिए उसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, बिकॉज वो खराब हो गए सेल ऑर्गेनिल्स और जो फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आता है उसको क्लीन करने के लिए काम आता है। When cell gets damaged, lysosomes may burst and enzymes digest their own cell. अभी कई बार क्या होता है कि जब सेल डैमेज होगा, ये जो पूरा सेल है वो डैमेज हो जाएगा, तब जो लाइसोसोम है वो फट जाएंगे, तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाएंगे और वही एंजाइम लाइसोसोम को भी खा जाएगा। तो एक तरह का सुसाइड हुआ लाइसोसोम का, इसलिए उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जब सेल डैमेज होता है तब लाइसोसोम्स बर्स्ट होते हैं और जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर वो बाहर निकल जाएंगे और डाइजेस्ट कर लेंगे खुद के ही सेल को, इसलिए उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन टू दिस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल एंड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। आई होप ये आपको लाइसोसोम्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।